नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अदानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जी, शेयर हमें 0.35% डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके पिछले एक मंथ का चार्ट ओपन करूँ या फिर 6 मंथ का चार्ट ओपन करूँ, हिडन वर्क की रिपोर्ट के बाद इसमें एक बड़ा सा ब्लड बाथ देखने को मिला, जिसके बाद ये शेयर अभी तक रिकवर होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। अगर अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी पावर की बात करें, वो धीरे धीरे सही लेकिन ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अदानी टोटल गैस में ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि शेयर को बाय करके चलना चाहिए, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अदानी पावर की बात करें, फ्यूचर को लेकर इसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट मैनेज करता हुआ देखने को मिलता है, जिसके बेस पे उस शेयर में भी हमें बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन अदानी टोटल गैस में ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। इस शेयर को अगर ऊपर ले जा सकते हैं तो इसका क्वार्टर रिजल्ट, अगर क्वार्टर रिजल्ट में इसमें अच्छा खासा सुधार होता हुआ देखने को मिलता है, तो ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अभी भी जो एलिगेशन है उस पर, उसके बाद अदानी ग्रुप का कोई बड़ा बयान निकल के नहीं आया जो कि इस शेयर से एक बार फिर से बायर को एक्टिव कर दे। आपको उस हिसाब की बाइंग देखने को नहीं मिल रही जो कि आपको इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न दिला पाए। जब तक क्वार्टर रिजल्ट में एक अच्छा खासा प्रदर्शन शो होता हुआ नहीं देखने को मिलता, ये शेयर एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी इस शेयर को बाय करके चलना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को बाय करके चल सकते हो, क्योंकि इस शेयर लंबे समय से एक लंबा कंसोलिडेट लगाता हुआ देखने को मिलता है। और अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट में एक अच्छा खासा रिजल्ट शो होता हुआ देखने को मिला, तो ये कंपनी अपने कंसोलिडेट रेंज तोड़ेगी और ये एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगर कंपनी लगातार अपना क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूवमेंट करती जाती है, तो आपको इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ये अपने हाई लेवल तक भी पहुंच सकता है। बस एक कंडीशन एक है कि कंपनी को एक बार फिर से रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा जीतना पड़ेगा अपने क्वार्टर रिजल्ट से, क्योंकि 2 बार एलिगेशन लग चुकी है अदानी ग्रुप पे, तीसरी बार भी लग सकती है, जिसके कारण ये शेयर डाउन जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी को ऊपर जाना है, तो इसके क्वार्टर रिजल्ट सबसे पहले देखने होंगे, कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई देखने को मिल सकती है, ताकि आप इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाएं। और कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें, तो आप यहाँ पे देखो रिजर्व में एक अच्छा खासा अमाउंट बढ़ा है जो कि 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी के लॉन्ग टर्म बोन की बात करें, 268 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और कंपनी के शॉर्ट टर्म बोन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1100 करोड़ तक देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात देखने को सामने आती है। और कंपनी के अगर टोटल एसेट की बात करें, टोटल एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। और कंपनी के अगर बैंक अकाउंट में कितना कैश पड़ा है, 368 करोड़ के आसपास इसके बैंक अकाउंट में भी कैश पड़ा है। अगर ओवरऑल देखा जाए, कंपनी की बैलेंस शीट में बिल्कुल दम नहीं देखने को मिलता। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कभी जंप देखने को मिलता है, तो कभी डाउन जाते हुए भी देखने को मिलती है, जिसके बेस पे शेयर में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी एक लंबा कंसोलिडेट लगाती हुई देखने को मिल रही है। तो जाते जाते ये बोलूँगा, अगर आप इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कंपनी में एक छोटा सा अमाउंट लगाइए, लमसम अमाउंट मत लगाइए। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता है, SIP के तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ताकि आप इस शेयर से एक अच्छा खासा और सेफ रिटर्न ले पाएँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।